प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की तैयारियों तथा इससे होने वाले नुकसान को कम करने के उद्देश्य से 11 जुलाई को जिला मुख्यालय हमीरपुर में 5 स्थानों एसपी ऑफिस एनआईटी स्थानीय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला क्षेत्रीय अस्पताल मेडिकल कॉलेज तथा गांधी चौक में मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में आज हमीर भवन में अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों तथा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल सहयोग का क्षमता का आकलन करना के साथ साथ लोगों में जागरूकता पैदा करना है, ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभावशाली ढंग से निपटा जा सके। उन्होंने बताया कि इस बार जिला मुख्यालय पर मेगा मॉक ड्रिल के आयोजन के लिए 5 स्थानों को चिन्हित किया गया है। एनआईटी हमीरपुर घटना स्थल के साथ साथ स्टेजिंग स्थल के रूप में भी कार्य करेगा, जहाँ से घटनाओं को लेकर समस्त कार्रवाई का संचालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से बेहतर तरीके से निपटने के लिए मॉक ड्रिल एक पूर्व तैयारी है। इससे विभिन्न विभागों तथा एजेंसियों में परस्पर बेहतर समन्वय, सहयोग क्षमता तथा आत्मविश्वास को बल मिलता है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त जिला में सभी उपमंडलों पर भी 11 जुलाई को प्राकृतिक आपदाओं को लेकर मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। जिला मुख्यालय की तरह ही उपमंडल स्तर पर संबंधित एसडीएम मॉक ड्रिल के लिए 4-4 स्थानों तथा एक स्टेजिंग स्थल का चयन कर इसकी सूचना 2 दिन के भीतर उपायुक्त कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर एक्सीडेंट रिस्पांस टीम आईटीआरटी गठित कर दी गई है। तथा उपमंडल स्तर पर संबंधित एसडीएम विभिन्न विभागों की आईआरटी का शीघ्र गठन करेंगे। डी सिंह ने कहा कि समस्त विभाग अपने अपने विभाग में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर मोबाइल नंबर तथा प्राकृतिक आपदाओं को लेकर अपने पास उपलब्ध संसाधनों की सूची डीडीएनए को 9 जुलाई तक उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जिला के लिए स्टेक होल्डर विभाग तथा संबंधित एसडीएम अपने अपने उपमंडल में कार्यरत सभी सरकारी संस्थानों में 11 जुलाई को सुबह 11 बजे सभी ड्रॉप कवर होल्ड तथा मॉक ड्रिल का आयोजन करवाना सुनिश्चित करने के साथ साथ 2 दिन के भीतर फोटोग्राफ सहित विस्तृत रिपोर्ट डीडीएमए को प्रस्तुत करेंगे। इस अवसर पर आदेशक गृह रक्षा सुशील कौंडल, एसडीएम सुजानपुर शिवदेव सिंह, एसडीएम वोरेंज डॉक्टर अमित कुमार शर्मा, जिला राजस्व अधिकार पवन शर्मा, डीएफएससी श्रीराम सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे। डाइट मंडी में टूरिज्म ट्रेड को लेकर वोकेशनल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर 5 दिनों तक चलेगा। शिविर का शुभारंभ जिला परियोजना अधिकारी बलवीर भारद्वाज ने किया। इस शिविर में मंडी, कांगड़ा, शिमला, ऊना, लाहौल स्पीति, बिलासपुर तथा चंबा से 70 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। प्रतिभागियों को टूरिज्म से संबंधित जानकारी मुहैया करवाई जाएगी। इस अवसर पर सेंटम कंपनी से सुरेखा और इन कंपनी से कपिल ठाकुर राज्य समन्वयक मौजूद रहे। वही कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद ने स्रोत व्यक्ति के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। जैसे कि ये विदित है कि इस कोर्स को 4 लेवल होते हैं, लेवल 1, 2, 3, 4। तो जो बच्चा 4 लेवल पास कर लेता है वो उसको जो है वो सेक्टर स्किल काउंसिल और एनएसडीसी की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और उस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो पूरे वर्ल्ड में होती है, और उस सर्टिफिकेट के आधार पे जो है बच्चा जॉब लेने के हकदार हो जाता है, एलिजिबल हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि इस कोर्स करने के बाद बच्चे अपने पाँव पे खुद खड़े होंगे। सोलन की सब्जी मंडी में हिमाचल किसान सभा ने बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता हिमाचल किसान सभा के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह तवर ने की। किसानों की मांगों को लेकर विचार विमर्श किया गया और ये चर्चा की गई कि अगर
एपीएमसी उनकी मांगों को समय सीमा पर पूरा नहीं करेगी तो उनका क्या रुख रहना चाहिए, इसको लेकर शिमला, मंडी, सोलन और सिरमौर के किसानों ने अपने अपने विचार रखे। ये निर्णय लिया कि अगर एपीएमसी उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो वह 2 अगस्त को सोलन में किसानों की महापंचायत करेंगे और उससे निर्णय लिया जाएगा कि उन्हें क्या रुख अपनाना चाहिए। इस मौके पर किसान हिमाचल प्रदेश किसान सभा के राज्य अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंबर ने और सोलन नेता मोहित कुमार ने कहा कि सोलन का किसान चाहता है कि उसका टमाटर क्रेट के हिसाब से नहीं बल्कि बाहर के हिसाब से मंडियों में बिके, जिसको लेकर उनकी सभा ने एपीएमसी को ज्ञापन भी सौंपा था, जिस पर एपीएमसी ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई थी जो इस पर रिपोर्ट तैयार करेगी, लेकिन इस 3 सदस्य कमेटी में एक भी किसान नेता को शामिल नहीं किया गया। वहीं एपीएमसी ने अपने निर्णय को देने के लिए 1 माह का समय मांगा था जो 28 जुलाई को खत्म हो जाएगा। अगर किसानों की इस मांग को माना नहीं जाता है तो वे 2 अक्टूबर को किसानों की महापंचायत बुलाएंगे और उसमें आगे संघर्ष का मार्ग क्या होना चाहिए ये निर्णय लिया जाएगा।